किस स्टेशन पर गाड़ी आगमन के समय पॉइंट का मीनिंग आवश्यक है? नॉन इंटरलॉक पैडलॉक। IBS का होम सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर गाड़ी खड़ी करके टेलीफोन पर बात करने पर टेलीफोन यदि खराब हो तो उसे कितने समय के बाद ऑन स्थिति में पार करेंगे? 5 मिनट बाद। IBS का होम सिग्नल ऑन मिलने पर गाड़ी खड़ी करके टेलीफोन पर बात करने पर टेलीफोन यदि खराब हो तो लोको पायलट उसे ऑन स्थिति में पार करके प्रतिबंधित गति से कहां तक चलेगा? अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक। क्या संटिंग के लिए होम सिग्नल ऑफ कर सकते हैं? नहीं। डिरेलिंग स्विच क्यों लगाया जाता है? आइसोलेशन के लिए सिग्नल। स्कॉच ब्लॉक को किस उपयोग में लिया जाता है? आइसोलेशन के लिए। ब्लॉक सेक्शन में धुंध कोहरा मिलने पर लोको पायलट गाड़ी को संपूर्ण ब्लॉक परिस्थिति में अधिकतम किस गति से चलाएगा? 60 km/h। बैनर फ्लैग क्या है? फिक्स्ड टेम्पररी डेंजर सिग्नल। संट सिग्नल खराब होने पर उसे संटिंग के दौरान ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है? सादा मेमो। पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब होने पर IBS को भी खराब माना जाएगा। हाँ। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की दुर्घटना हो जाने पर ब्रॉड गेज में पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? पहला 600 मीटर पर, दूसरा 1200 मीटर पर, उसके बाद 10-10 मीटर पर 2 पटाखे। यदि कोई रोक सिग्नल अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध न हो तो चालक को वहां गाड़ी खड़ी करनी होगी। हाँ। किसी गाड़ी से लगातार 3 पटाखे फूटने के बाद लोको पायलट को तुरंत गाड़ी रोक देनी चाहिए तथा गार्ड को सूचित करना चाहिए? नहीं। 3 पटाखे फोड़ने के बाद चालक को प्रतिबंधित गति से कितनी दूरी तक चलाना चाहिए? 1.5 किलोमीटर तक। ब्लैक ऑफ डिस्टेंट सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करना अनिवार्य है? हाँ। संटिंग के समय समक्ष रेलवे कर्मचारी हरी बत्ती ऊपर व नीचे हिला रहा हो तो लोको पायलट को क्या समझना चाहिए? दिखाने वाले से दूर जाओ। स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक स्टेशन की लूप लाइन से रनिंग थ्रू जाने वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 15 km/h। 1 in 8 के टर्न आउट जिस पर कर्ड स्विच लगा हो उस पर अधिकतम गति कितनी है? 15 km/h। धुंध और कोहरे के मौसम में फॉग सिग्नल मेन द्वारा पटाखे कहां लगाए जाएंगे? प्रथम रोक सिग्नल के बाहर। स्टेशन मास्टर को पिछले स्टेशन से गाड़ी में हॉट एक्सल होने की सूचना प्राप्त हो तो वह उस गाड़ी को स्टेशन पर किस प्रकार रिसीव करेगा? बिना रोके मेन लाइन पर और बाहरी रोक सिग्नल पर रोक कर लूप लाइन। पिछले स्टेशन से आ रही गाड़ी में हैंगिंग पार्ट हो तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा? बाहरी रोक सिग्नल पर रोक कर हैंगिंग पार्ट को ठीक करवाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में मिलने पर चालक गाड़ी खड़ी करने के बाद किस गति से आगे बढ़ेगा? रुकने के बाद सावधानी पूर्वक रुकने के लिए तैयार रहेगा। खराब पॉइंट पर गाड़ी लेने से पूर्व स्टेशन मास्टर को पिछले स्टेशन से चालक व गार्ड को कॉशन ऑर्डर दिलवाना चाहिए। हाँ। क्या पॉइंट रस्ट होने पर गाड़ी को बैक किया जा सकता है? नहीं। लाइन पर पटाखा फोड़ने के बाद चालक को कितनी दूरी तक सावधानी पूर्वक चलना चाहिए? 1.5 किलोमीटर तक।